नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भाई एक्वेरियम क्वारंटाइन के ऊपर। क्वारंटाइन से मेरा मतलब है कि एक्वेरियम को ट्रीट करें किस प्रकार से मछली छोड़ने से पहले, कि हम किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक्वेरियम में एक भी मछली नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप मेरी पिछले वीडियो में जान गए होंगे कि भाई हमने इसमें से मछलियों को निकाल के और पानी के हौद में शिफ्ट किया था। तो अब मैं दोबारा इसमें डालने वाला हूँ, तो उससे पहले इसको हम मेडिसिन से ट्रीट करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की पैरासाइट या फंगस वगैरह मछलियों को न लगे। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, यदि आप सबसे पहली बार यदि मछली एक्वेरियम में डाल रहे हैं या फिर बहुत टाइम बाद एक्वेरियम में मछली डाल रहे हैं, तो उसे कम से कम 1 से 2 दिन जरूर ट्रीट कर लें इसको किसी भी प्रकार की मेडिसिन से। यदि आपके पास मेडिसिन नहीं है तो कौन सी क्या चीज़ यूज़ करनी है वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, मैंने अपने एक्वेरियम का सेटअप भी थोड़ा चेंज किया है, तो वो सेटअप भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है मेरा वो सेटअप। मैंने अपने पिछले सेटअप आप देखे होंगे मेरी पिछली वीडियो में, उस सारे सेटअप को मैंने चेंज करके और ये इस प्रकार का सेटअप लगा दिया है, क्योंकि पिछले वाले सेटअप में मेरे में सब कुछ मिक्स था भाई। इसमें जो मोटे वाले ग्रेवल्स हैं वो भी, जो कलरफुल वाले हैं वो भी, और जो बिल्कुल जीरो साइज बजरी है वो भी, सब कुछ मिक्स था। अब मैंने सबको अलग अलग करके जो आर्टिफिशियल प्लांट थे उनको भी अलग कर दिया है भाई, और ये बस एक ये फ्लावर रखा है और इनको एक व्यवस्थित रूप से सेटअप मैंने बनाया है। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई किस प्रकार का सेटअप लग रहा है आपको। और ये टॉयज़ भी मैंने इसमें लगा दिया है। और अब मैं अपने जो ये जो सेटअप है इसको लाइव प्लांट में बदलने की भाई सोच रहा हूँ, तो इसमें मैं हैवी प्लांट लगाऊंगा भाई, लक्की बम्बू जैसे, शायद यदि मेरी गोल्ड फिश उनको छोड़ देगी तो, क्योंकि गोल्ड फिश एक भाई वेजिटेरियन फिश है तो वो प्लांट को उखाड़ भी सकती है। तो मैं देखूंगा थोड़े हैवी प्लांट इसमें लगाने की कोशिश करूंगा, यदि लग जाएंगे तो मैं उसके पास इसको लाइव प्लांट में कन्वर्ट कर दूंगा धीरे धीरे। और अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसको ट्रीट करूंगा मैं कम से कम 2 दिन, उसके बाद पानी के हौद से मछलियाँ निकाल के इसमें शिफ्ट करूंगा। तो चलिए अब ट्रीट कर लेते हैं इसको, और किस प्रकार से करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा भाई। आपके पास मेडिसिन है तो ठीक है, नहीं है तो क्या यूज़ करें ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन भाई 1 से 2 दिन आपको ज़रूर ही ट्रीट कर लेना चाहिए एक्वेरियम को, वरना एक बार तो आपके मछलियों में पैरासाइट फंगस वगैरह ज़रूर प्रॉब्लम होगी बीमारियों की। तो मैं अब इसको ट्रीट करूंगा 2 दिन, उसके बाद ही पानी के हौद से मछली निकाल के एक्वेरियम में डालूंगा भाई, और मैं आपको भी ऐसे ही करने की सलाह दूंगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और किस प्रकार से मैं इनको ट्रीट करूंगा देखते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं कि आपके पास यदि मेडिसिन है एंटी ईच या एंटी फंगस, दो मेडिसिन यदि आपके पास हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उन दवाइयों से उसको ट्रीट करें कम से कम 2 दिन। तो मैं आपको वो यदि आपके दवाइयाँ भी अभी पास सिखाता हूँ। जर्नल एड है भाई, यदि आपके पास जर्नल एड है तो भी बढ़िया है, आप जर्नल एड से कम 1 से 2 दिन एक्वेरियम को ट्रीट करें। लेकिन जर्नल एड भाई शायद फ्रेश वाटर में बढ़िया काम करती है, तो मैं इसको रिकमेंडेशन कम दूंगा कि जर्नल एड से सबसे पहले ट्रीट न करें। जो एंटी ईच या एंटी फंगस आती है ये बहुत ही बढ़िया भाई पैरासाइट को मारने का काम करती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इसको इस एंटी फंगस से या एंटी ईच से आप ट्रीट करें, और थोड़ा हैवी डोज दें क्योंकि इसमें मछलियाँ रहेंगी नहीं। और जितना हो सके आप हैवी डोज दे के फिल्टर वगैरह, आपका एयर स्टोन वगैरह, और जो भी एयर टॉयज वगैरह जो भी आपने लगा रखे हैं सबको चालू कर दें, स्पंज वगैरह सब में मेडिसिन जानी चाहिए। और 1 से 2 दिन आप एक्वेरियम को रेगुलर चलाते रहें, उसके बाद ही आप उसमें मछलियाँ डालें, वो भी पूरा पानी चेंज करके। तो यदि आपके पास एंटी फंगस है तो ज़रूर इससे ट्रीट करें आप, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ट्रीट करने के लिए, और मैं सबसे पहले इसी को यूज़ करूँगा। यदि आपके पास एंटी फंगस नहीं है और ये एंटी ईच नहीं है तो आप पैरासिडोल FWB काम में ले सकते हैं। यह है पैरासिडोल FW, ये दवाई तो भाई हर किसी में काम आती है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप इससे ट्रीट कर सकते हैं 1 से 2 दिन। और आपके पास ये एंटी ईच भी नहीं है, एंटी फंगस भी नहीं है, पैरासिडोल नहीं है, तो आप इस जर्नल एड का काम ले सकते हैं। लेकिन भाई जर्नल ऐड भी काम दे जाएगी, लेकिन आपको 2-3 दिन लगातार इसमें हैवी डोज जर्नल ऐड का देके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद कुछ अच्छा ट्रीट हो पाए। क्योंकि जर्नल ऐड फ्रेश वाटर में मेरे को लगता है कि बढ़िया काम करती है, वो भी मछलियों का थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए, बाकी इसके अलावा ज़्यादा ये काम नहीं आएगी बिल्कुल जर्नल ऐड आपको। अब यदि आपके पास कोई वाटर कंडीशनर है
तो आप 2 से 3 दिन वाटर कंडीशनर से भी पूरे एक्वेरियम को ट्रीट कर सकते हैं, ताकि उसके सभी पैरासाइट, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएं। उसके बाद आप पूरा पानी चेंज करके आप मछलियों को उसमें डालें। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्वेरियम साल्ट ले लें। यदि आपके पास एक्वेरियम साल्ट भी नहीं है, तो आप रॉक साल्ट का उपयोग कर सकते हैं। रॉक साल्ट का उपयोग किस प्रकार करोगे, बहुत हैवी डोज देना पड़ेगा उसमें भी। ऐसे नहीं है कि जिस प्रकार हम एक्वेरियम में उसकी मात्रा डालते हैं उतने से काम चल जाएगा, नहीं। आपको लगभग डबल या ट्रिपल मात्रा में इसमें एक्वेरियम साल्ट या रॉक साल्ट डालना पड़ेगा, और 2 से 3 दिन उसको रेगुलर सर्कुलेट में लाना पड़ेगा। उसके बाद आप मछलियों को उसमें पूरा पानी चेंज करके नया पानी डालें, उसमें भी एक्वेरियम साल्ट का उपयोग करें, और फिर मछलियों को उसमें छोड़ें, तो आपकी मछलियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं यूज करूंगा भाई एंटी फंगस, क्योंकि ये एक प्रकार का पॉइजन आता है, एंटी इच या एंटी फंगस, ये एक प्रकार का पॉइजन आता है जो कि सभी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और इसमें मैं ये हैवी डोज में दूंगा थोड़ा। तो चलिए मैं आपको लाइव ये गिरा के दिखाऊंगा इसमें, और फिर 1 से 2 दिन को सर्कुलेशन में लाऊंगा, पानी चेंज करूंगा, और उसके बाद जो फ्रेश वाटर डालूंगा तब मैं इसमें पैरासिडोल और जर्नालाइड यूज करूंगा। फिर वो इसमें बहुत ही बढ़िया वाटर कंडीशनर उसका का काम करेंगे, बढ़िया वाटर की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद मैं मछलियों को उनमें छोड़ूंगा। तो चलिए अब मैं एंटी फंगस इसमें डालता हूँ, और मैं आपको पानी का कलर वगैरह और सारा सर्कुलेशन दिखाऊंगा। ये देख सकते हो भाई तुम, ये एंटी फंगस भाई इसमें मैंने डाल दिया है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अब मैं इसको 1 दिन ऐसे ही सर्कुलेशन में लाऊंगा, जिससे सभी ग्रेवल्स वगैरह में जो भी बैक्टीरिया होंगे स्पंज में, फिल्टर में, वो सभी मर जाएंगे। उसके बाद इस पानी को चेंज करूंगा, और मैं फिर इसमें मछलियाँ छोड़ूंगा, जिसके पश्चात मैं जर्नल एड और इसमें ये पैरासिडोल FW डाल के और फिर इसको ट्रीट करूंगा। तो अब भाई जिस दिन मैं अपनी मछलियों को इसमें शिफ्ट करूंगा, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।